जय भारत साथियों। साथियों आप भी मेरे साथ एक बार जय भारत बोल दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए यदि आप चाहते हो कि भारत आगे बढ़े। और भारत तभी आगे बढ़ेगा जब आप व्यापार करेंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा व्यापार जिसमें शामिल है सभी प्रकार के अचार, पापड़ एवं मसाले। मैं इसमें कमाई की बात करूँ तो इसमें डबल से भी ज़्यादा अर्थात 3 गुना कमाई हो सकती है यदि आप इस व्यापार को दिल से करें। अर्थात आप 40 रुपये की चीज़ सीधे 120 रुपये में बेच सकते हैं। कुछ ऐसा व्यापार है पापड़, अचार और मसाले का, जो कि आज मैं आपको लेकर चलूँगा इंदौर के होलसेल मार्केट में। और मैं आपको लेकर चलूँगा इस शॉप पर, जिस शॉप पर जाने के बाद आप बहुत कुछ पा सकते हैं। यहाँ से आप सभी प्रकार के अचार, पापड़ एवं मसाले खरीद कर अपना खुद का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। और यह ऐसा व्यापार है जो कि आप ठेला गाड़ी पर भी कर सकते हो, अन्य जगह भी कर सकते हैं। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस हमें प्रोवाइड कराइए, जाइए और व्यापार शुरू करिए। तो चलिए बातें ढेर सारी हो गई, अब शुरू करते हैं वीडियो। जी मैं अब्बास मसाला वाला सेठ ट्रेडिंग इंदौर से बात कर रहा हूँ आपसे। कहाँ पर है ये शॉप अपनी? ये मेन जवाहर मार्ग पे नंदलालपुरा स्क्वायर पे दुकान आती है। किसी भी कॉर्नर से आएंगे आप राजबाड़ा के करीब में ये इजीली मिल जाएगी आपको। क्या क्या आइटम मिलता है अपने यहाँ पर? पापड़, फ्राइंस, फुल्ले, इससे रिलेटेड एक्सपायर्ड आप जो भी सोच सकते हो मांग सकते हो मिल जाएगा। ऑल इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल सब तरह के आइटम मिल जाएंगे। अच्छा, जो आपका जो आइटम है में कितना परसेंट मार्जिन होता है अगर कोई व्यापार शुरू करना चाहे? मार्जिन मिनिमम 30% से लेकर 70% तक रहता है। बाकी एरिया टू एरिया हर आइटम के अंदर मार्जिन में फर्क पड़ता है, इसमें सेल्स का फर्क पड़ता है। बहुत सारी रेंज है। मार्जिन का इशू नहीं रहता। शॉप का टाइमिंग क्या है? शॉप का टाइमिंग 11 से 9 का रहता है नॉर्मली। संडेज क्लोज रहता है, संडेज अल्टरनेट संडे ऑन रहता है। बाकी आप कॉन्टेक्ट कर सके मिल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपका मोबाइल नंबर बोलिए। नंबर मेरा आप लिखे 8962676526। इसी नंबर पर व्हाट्सअप हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप जैसा चाहे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मिनिमम कितने का माल परचेस करना पड़ता है? मिनिमम वैल्यू जैसी कोई परेशानी नहीं है, जो पैकिंग होती है किसी चीज़ की फैक्ट्री पैकिंग उसी हिसाब से मिल जाता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं होता है। कुछ एक पैकेट भी मिल जाता है? एक पैकिंग दे देते हैं, बाकी मोस्टली जो होता है हमारा होलसेल ट्रेडिंग होता है, बॉक्स पैकिंग होती है या 5 किलो बैग आते हैं, सभी ब्रांड की अलग अलग पैकिंग आती है। जी। क्या चीज़ है ये? जो होता है इम्पोर्टेड फ्राइम्स होता है, ये इंडियन ओरिजिन का नहीं रहता, इंडोनेशियन फ्राइम्स होते हैं, इम्पोर्टेड। ये सागो बेस्ड प्रोडक्ट होता है। हाँ। साबुदाना बना होता है, फास्ट वगैरह में भी काम में आ जाता है, केटरिंग में काम आ जाता है, सिंधी शादी वगैरह में उसमें देने के लिए काम में आता है। ये प्योर सागो बेस्ड फ्राइम्स है, ये साउथ इंडियन होता है। ये किस रेंज से स्टार्ट होता है? ये इसका रिटेल रेट 200 रुपये सेलिंग आता है, 20-30% का डिफरेंस आता है मार्जिन के अंदर। और ये जो रेट हम मिनिमम बताते हैं ये मिनिमम सेलिंग रेट रहता है, ये काफ़ी ऊपर तक में बिकता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये प्योर पोटैटो फ्राइम्स रहता है, गुजरात साइड का आइटम होता है। ये पोटैटो फ्राइम्स आते हैं, फास्ट वगैरह में भी काम में आता है, केटरिंग में भी काम में आ जाता है। ये नॉर्मल राइस वाले फ्राइम्स आते हैं, तो सब परिचित है, कॉमन आइटम है ये। ये क्या रेंज का जाता है? ये करीब 80 रुपीज़ रिटेल में बिक जाता है ये। इसमें मार्जिन कितना परसेंट होता है? मार्जिन आप 20-30% मिनिमम मानिए। और ये रेट जो हम बता रहे हैं मिनिमम सेलिंग रेट रहता है, इसमें मैक्सिमम बहुत ऊपर तक जाता है। सुपरमार्केट वगैरह में जाता है आप नॉर्मली खरीदेंगे 200 रुपये किलो इजीली मिलता है ये। 200 रुपये मिनिमम 200 रुपये मिलता है, ब्रांडेड पैकिंग आती है सुपरमार्केट वगैरह में जो मिलता है 200 रुपये करीब रेट उसका रहता है वो। और यहाँ पर 80 रुपये किलो? यहाँ 80 रुपये किलो है, बल्क में लेने में क्वांटिटी में और 10-20-30% का फर्क पड़ जाता है, और नॉर्मल सी बात है मिलता है, रेट वाइज कोई इशू नहीं है। पापड़ की बात करें, ये खिचिया पापड़ है, क्लासिक जो चलता है, हैंडमेड आता है, ये फ्राई करने वाला होता है, ये राजस्थानी शादी वगैरह में काम में आता है, रिटेल में बिकता है, सभी तरह से काम में आता है। ये खिचिया भी बोलते हैं, पापड़ भी बोलते हैं इसको। ये नॉर्मल चावल पापड़ है, जो फ्राई करा हुआ अभी मार्केट में मिलता है मोटे वाला, ये वो चावल का पापड़ है ये क्लासिक। ये उन्हीं के लिए आता है, मोस्टली इसका सेलिंग वहीं होता है। जैसे अगर आप इंदौर से वीडियो देख रहे तो मोस्टली टूरिस्ट स्पॉट वगैरह जो होते हैं यही तालाब मिलता है। जी, ये नॉर्मल पोंगा फिंगर है, तो इसके बैग आते हैं 10 किलो पैकिंग आती है, 25 किलो पैकिंग आती है, ये 60-70 रुपये 80 रुपये किलो मिनिमम बिकता है ये। 10 किलो पैकिंग अराउंड 400 से 450 के बीच में पड़ता है, और ये कच्चा आइटम है, रेगुलरली रेट फ्लक्चुएट होते हैं, रेट काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है वो। ना इसके 20 किलो पैकिंग है और 5 केजी बैग आते हैं सब इसमें, मिनी, मीडियम, बड़ा सब आता है। अभी 20 किलो बैग करीब 1600-1650 के आसपास रेट चल रहा है। इसमें भी वही है, कमोडिटाइज आइटम है, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, टाइम टू टाइम रेट कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। ये बिग है, वो मिनी था, सेम थिंग है, सेम रेट है, नथिंग डिफरेंस। ये हैदराबाद की कुल्लई आती है, जैसे मैंने बताया पूरे इंडिया के स्पेशलिटीज आती है, हैदराबादी कुल्लई आती है, ये भी फ्राई करने का होता है ये सब वही है, उसको बंद कर दो। ये भी वही फिंगर है, सेम हिसाब रहता है, शेप का डिफरेंस है, नथिंग एल्स, वो इधर नॉर्मल, ये सब क्लासिक। ये तो रिटेल में बिकता है, ये होलसेल में नहीं अवेलेबल होता है, ये तो रिटेल पैकिंग है, 30 रुपये का पैकेट होता है ये। 30 रुपये का है ना? ये 500 ग्राम वेट है इसका।
कार्ड दोस्त। ये अगर जैसे तो अन्य दुकानों पर अगर लेने जाए रिटेल, ये तो छोटी पैकिंग पड़ती है अराउंड 200 रुपए किलो, 160 रुपए किलो मिलती है। जैसे ब्रांडेड आते हैं छोटी पाउच पैकिंग आती है, वो केजी वाली पैकिंग नहीं आती, 150-200 ग्राम की पैकिंग रहती है, उस हिसाब से रेट रहता है। अचार का है अचार होलसेल में हमारे पास ये ऋषभ ब्रांड का आता है, ये होममेड अचार था, ये रिटेल के लिए देते, ये हम होलसेल में ट्रेडिंग नहीं करते। ये हमारे पास ये अचार आता है, ये क्या रेट का रिटेल का होता है? ये इसकी MRP तो काफ़ी ज़्यादा रहती है, अराउंड 48 रुपीज़ 200 ग्राम के लिए होता है ये। बाकी हम लोग इसको 30 रुपीज़ यहाँ देता है बॉक्स पैकिंग में, और 20% का डिफरेंस पड़ जाता है। 75 पीस का बॉक्स आता है नॉर्मली, इसका 500 ग्राम पैकिंग अवेलेबल होती है, 1 किलो होती है। आपको अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग है तो 5 किलो पैकिंग मिल जाएगी, 18 किलो 60 किलो तक पैकिंग आती है। पैकिंग आती जी जी 60 किलो ड्रम तक की पैकिंग आती है, इसमें मतलब 200 ग्राम से 60 किलो तक की पैकिंग आती है। कितने प्रकार के अचार मिल जाते हैं? अचार का अराउंड आप मानिए 15 से 20 प्रकार के अचार मान सकते हैं, और पापड़ में तो रेंज मैंने आज तक गिनी नहीं, बाकी मिनिमम 100 से 150 के बीच में रेंज मिल जाएगी। अच्छा, पापड़ किस रेंज का होता है आपके पास बताइए? पापड़ हम लो क्वालिटी में बहुत लेस डील करते हैं, प्रीमियम में जितना अच्छा आप चाहोगे मेरे पास मिल जाएगा। हमारा खुद का लो में तो मैं बेचता ही नहीं हूँ, स्टार्टिंग रेंज मतलब मीडियम प्रीमियम रेंज आती है, उससे स्टार्ट होता है, 180 रुपये उसका रिटेल रेट रहता है। सेलिंग आप 220 रुपये के आसपास माने आप, बल्क कट्टे में लेने में 15-20% का और डिफरेंस आता है। इसके अलावा ये तो कॉमन हो गया, एक इंदौरी पापड़ आता है, हमारे यहाँ स्पेशलिटी ये पूरे इंदौर में कहीं और नहीं मिलता है, जैसे ये इंदौरी मसाला पापड़ आता है, ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, ये कभी किसी ने नहीं देखा होगा, ये हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। ये इसका रिटेल रेट 280 रुपये, हमारे यहाँ से कुछ कस्टमर रिसेलिंग वाले ले आते हैं 350 रुपये किलो तक बिकता है। ये डबल मसाला पापड़ आता है, हैंड रोल्ड आता है, सबसे बड़ी स्पेशलिटी हैंडमेड होता है, ये मशीन मेड नहीं होता है, ये शादियों वगैरह में काम में आता है रिटेल में, ये सब प्रीमियम क्वालिटी। ये गुजराती पापड़ आता है, ये बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है। इसके अलावा ग्रीन चिली पापड़ आता है, ये सारी यूनिक चीज़ है, ये नॉर्मली जो कहीं और नहीं मिलती उस टाइप का रहता है। ये नमकीन दुकान वालों को काम में आ जाता है, वो बेचते हैं सेलिंग के लिए, सुपरमार्केट वाले रिपैकिंग करने के लिए ले आते हैं, अगर आपका ग्रो उद्योग है तो उसके साथ में काम में आ जाएगा, या आप कुछ आइटम बनाते हैं तो बाकी आइटम हमसे ले आकर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, बहुत सारे आइटम आ जाते हैं। और क्या विशेष क्या चीज़ आपके ये हमारे यहाँ पापड़ से रिलेटेड आप जो भी मांग मिल जाएगा, आलू पापड़ कह सकते हैं, साबूदाना पापड़, मूंग बड़ी, उड़द बड़ी, वो हमारा ही बनता है, उसमें सब मिल जाएगा, आम पापड़ वगैरह जैसा मैंने शुरू में बताया, जो आप सोच सकते हैं वो हम आपको दे देंगे, जो आपने नहीं देगा हम वो भी आपको दे देंगे। अच्छा, रसोई में सबसे इस्तेमाल होती है पापड़ कतरन हमारे पास बहुत सारी रेंज है, बिल्कुल नीचे से लेके बिल्कुल प्रीमियम रेंज तक मिल जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी स्टार्टिंग में तो ओनली 75 रुपीज़ से स्टार्ट होता है ये पापड़ कतरन। हाँ, बाकी मैं रिटेल कस्टमर को सजेस्ट नहीं करूँगा आपका, अगर ट्रेडिंग वगैरह है उसमें चल जाएगा, भाई केटरिंग वालों को प्रीमियम लगती है या सेकंड प्रीमियम ही लगती है, बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज कोई भी यूज़ नहीं करता, या तो प्रीमियम वाली यूज़ करते हैं या उससे नीचे वाली यूज़ करते हैं। 75 पर केजी से स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके अलावा 110, 120, 150, 160 के आसपास तक की रेंज आती है इसके अंदर। इसके अलावा अपन और किस चीज़ की बात करें आपके पास? तो जैसे चिप्स वगैरह जो आते हैं क्लासिक हैंडमेड आता है, इन चीज़ों का चिप्स दिखाते पैकेट इनको बेटा, पेपर चिप दिखाइए, ये हैंडमेड चिप्स, ये सिंधी चिप्स होती है, हैंडमेड जैसी बनती है, सिंधी घरों में बनती है, उसी में काम में आती है, शादी सिंधी शादियों वगैरह में काम आती है। ये खिचिया पापड़ दिखाओ अपना हैंडमेड, ये राजस्थानी स्टाइल खिचिया पापड़ होता है, ये रोस्ट करने के भी काम में आ जाता है, इसको आप रोस्ट कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, दोनों चीज़ों में काम आता है। ये यूजुअली हर जगह नहीं मिलता, बाकी हमारे यहाँ सीजन के अलावा ऑफ सीजन बारिश वगैरह में बिल्कुल मिल जाता है। क्या रेट होता है ये? 140 रुपये इसका रेट है, बॉक्स में आने पर 100-150 रुपये बॉक्स का रेट में फ़र्क पड़ता है, रिटेल सेलिंग मिनिमम 200 रुपये किलो तक की रहती है इसकी। ये क्या चीज़ है? ये चेरी है, करौंदा मुरब्बा होता है, चेरी बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। ये तो रिटेल में ये जो केटरिंग वगैरह कोई काम में आता है 220-240 के आसपास का रेट चलता है नॉर्मली। अच्छा, मसाले में की बात करें अपने पास तो कुछ किस मसाले में? हमारे यहाँ सिर्फ हम अचार मसाला सेल करते हैं, जो हमारे यहाँ का हैंडमेड अचार आता है उसी का मसाला हम शेयर करते हैं, वो 240 रुपये किलो आता है, वो देसी स्टाइल आता है। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी शॉप पर आना चाहें उनको क्या कहना? आप आइए, मिलिए, देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बेहतर रहेगा आपके लिए, नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नए स्वाद खाने को मिलेंगे, इंदौरी स्वाद का जो मेन मज़ा है वो मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।